बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما। नाज़रीन मोहतरम, आज 3 रमज़ान मुबारक है। आप इस वक्त RP न्यूज़ की रमज़ान ट्रांसमिशन नवाए रमज़ान देख रहे हैं। मैं आज की इस ट्रांसमिशन में अपने तमाम नाज़रीन को पाकिस्तान से, दुनिया भर से, जहाँ जहाँ से लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबको खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन मोहतरम, आज सैयदा कायनात हज़रत सैयदा फ़ातिमा तुज़्ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का योम विसाल है। मेरा इल्म यकीनन महदूद है और मैं आप सैयदा की शान में अल्फाज इस्तेमाल ज़्यादा नहीं कर सकता। हाँ, कुछ अशार की सूरत में आपकी मनकबत बयान करने की कोशिश करता हूँ। ये रूहे अक्लो शऊर भी है, ये रूहे अक्लो शऊर भी है, दिले फरुओ उसूल भी है। फलक पे हो तो अली की जौजा, फलक पे हो तो अली की जौजा, जमी पे हो तो बतूल भी है। और हया की देवी, वफा की आयत, हिजाब की सलसबील जहरा। हया की देवी, वफा की आयत, हिजाब की सलसबील जहरा। कहीं है मासूमियत का साहिल, कहीं शराफत की झील जहरा। जहाने मौजूद में बनी है वजूद हक की दलील जहरा। जमाने भर की अदालतों में निसा की पहली वकील जहरा। और अली के घर से खुदा के घर तक, अली के घर से खुदा के घर तक शऊर की कहकशां है जहरा। जमी पे हो तो बतूल भी है, हया की देवी, वफा की आयत, हिजाब की सलसबील जहरा। नाज़रीन मोहतरम, हम अपने आज के इस प्रोग्राम में जो आप तक स्टैक ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मुल्तान के तआवुन से पेश किया जा रहा है, सैयदा के फजाइल व मनाकिब के हवाले से हम आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कारी आशिक हुसैन सईदी साहब। कारी साहब, मैं आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। वेलकम जी। नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले यकीनन हम आगाज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कलाम से करेंगे। तिलावत कलाम पाक के लिए मैं कारी साहब से ही गुजारिश करूँगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कलाम में से आयात से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن سبحان ربك رب العزة عما يصفون سبحان الله سبحان الله وسلام على المرسلين سلين سبحان ما شاء الله ما شاء الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين ما شاء الله سبحان وسلام على المرسلين والحمد لله
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله जज़ाक अल्लाह खैर, जज़ाक अल्लाह, जज़ाक अल्लाह, माशाल्लाह। अल्लाह पाक आपके इल्हान में, आपकी तौफीकात में मज़ीद इजाफा फरमाएं। बहुत ही खूबसूरत और पुरअसर अंदाज में आपने तिलावत कलाम पाक की आयतों से इस माहौल को गरमाया है। करी साहब, प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले मेरे जहन में अभी अभी एक शेर आ गया, किसी शायर ने क्या खूब कहा है, जिक्र खुदा करे जिक्र मुस्तफ़ा न करे, जिक्र खुदा करे जिक्र मुस्तफ़ा न करे, हमारे मुंह में हो ऐसी जुबान खुदा न करे। आइए नाज़रीन, हम सब मिलकर एक दफ़ा अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में दुरूद पाक का नज़राना पेश करते हैं। अल्लाहुम्म सल्ले अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व सल्लम तस्लीमा। अपने मौजू की तरफ बढ़ते हुए मैं सबसे पहले कारी साहब से यही गुजारिश करूंगा कि आप हजरत सैयदा फातिमतुज़्ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शान फजीलत पर रोशनी डालिए। نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर रूहान दानिश साहब कि आज आपने इस खूबसूरत मौजू पर हम कलाम होने का शर्फ अता किया। यकीनन आज का मौजू ये ऐसा मौजू है जिनका नाम मुबारक लेकर उनकी सीरत तय्यबा से हम खुद रोशनी हासिल करते हैं, तो ये ऐसी हस्तियां हैं कि उनकी शान को किसी रोशनी डालने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें अपनी ज़िंदगियों में रोशनी के लिए इन मुबारक हस्तियों के नूर से फैज़ याब होने की ज़रूरत है। हज़रत सय्यदा तय्यबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा राकिया साजिदा हज़रत सय्यदा खातून जन्नत सय्यदा फातिमतुज़्ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा व सलामुल्लाहि अलैहा की अज़मत व शान और कमाल का क्या कहना कि नबी करीम अलैहि सलातु व सलाम की लाडली और प्यारी लख्ते जिगर, वो जिनको नबी करीम अलैहि सलातु व सलाम ने फरमाया अल-फातिमतु बुल्लातु मिन्नी के फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, और फरमाया या सय्यदति निसाई अहलिल जन्ना कि ये फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है। हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने फारसी में एक मशहूर रुबाई लिखी है, इसका मफहूम और खुलासा ये है कि हजरत मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा को एक नस्बत फजीलत की हासिल है, यक नस्बत फजीलत कि वो हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालदा माजदा हैं, मगर हजरत खातून जन्नत की ये शान है कि बहसियत माँ भी आपका इकराम किया जाता है, बहसियत बेटी भी आप अजमतों और शानों के फायजुल मुराम पर मनसब पर फायज हैं, और बहसियत जौजा भी आप एक अली हजरत अलीउल मुर्तजा शेर खुदा करमल्लाह वजहुल करीम जैसी अजीम हस्ती की जौजा होने का एजाज आपके नाम है। यानी औरत की यही तीन निस्बतें होती हैं, माँ बेटी और बहन की निस्बत से, और देखिए कि आप हर लिहाज से अफजल और आला खवातीन में जन्नती औरतों की सरदार एक बेटी होने की हैसियत से, और माँ उनकी माँ हैं जिनके लिए हुजूर ने फरमाया जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है, तो इनके कदमों के नीचे उन हस्तियों की जन्नत है जो जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहले जन्ना, वो जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, जो सरदार हैं उनकी जन्नत इस अजीम हस्ती के कदमों के नीचे है। और फिर ये वो अजीम हस्ती हैं
کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا البنون نعمت والبنات رحمت، بیٹا نعمت ہوتا ہے، بیٹی رحمت ہوتی ہے، اور وہ خود جو رحمت للعالمین ہیں ان کے فرمان کے مطابق ان کی اپنی بیٹی ان کے لیے باعث رحمت ٹھہری، جو کائنات کے لیے رحمت ہے۔ اسی لیے جب سیدہ طیبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی تھی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کر اپنی بیٹی کی پیشانی پر بوسہ بھی لیتے تھے اور سیدہ کا استقبال بھی کرتے تھے۔ اب ذرا اندازہ لگائیے، یہ وہ موقع تھا اور ایسا معاشرہ تھا کہ جب لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، جب بیٹی کا باپ ہونا اس معاشرے میں ایک قدغن کے نام حیثیت رکھتا تھا، باعث سے شرم و آر تصور کیا جاتا تھا اس معاشرے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاں جی اپنی بیٹی کو اتنا احترام دے رہے ہیں اور استقبال کر رہے ہیں۔ اور جزاک اللہ قاری صاحب، بہت شکریہ۔ بریک پر بھی ہم نے جانا ہے، گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے جوڑیں گے۔ اور ایک سوال اسی حوالے سے میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ آپ کی، آپ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان جو آپ نے بیان فرمائی ہے، یقیناً آپ نے بڑا درست تجزیہ اور نتیجہ اخذ کیا کہ ان کی شان تو ہم بیان کرنے کے لائق ہی نہیں ہے اور نہ ہی روشنی ڈالنے کے اس پر لائق ہیں، وہ تو خود جہاں کو روشنی دینے کا سبب ہیں۔ تو میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں، بریک پر ہم ابھی جائیں گے، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ میں سوال آپ کے لیے جو ہے وہ اور اپنے ناظرین کے لیے یہاں پر چھوڑ دوں کہ اہل بیت کی محبت ایک مسلمان کے لیے کس حد تک کتنی ضروری ہے، تو یہ میرا سوال ہوگا آپ سے۔ ہم ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد یہیں سے اپنی گفتگو کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر نوائے رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین محترم، آج 3 رمضان المبارک ہے اور ملتان اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت 6:34 ہے۔ دوسرے علاقوں کے ناظرین یقیناً اپنے اپنے مقامی وقت کے مطابق افطار کریں گے۔ اس وقت جو گھڑیاں ہیں روزے کا اختتام اور افطار کا وقت بہت قریب، تو میں آپ تمام ناظرین سے یہ گزارش کروں گا کہ افطار کے وقت جب آپ خاص طور پر دعاؤں کا اہتمام کریں اور اپنی ان دعاؤں میں پاکستان کو، امت مسلمہ کو، ہمیں، ہمارے ادارے کو ضرور یاد رکھیں۔ میں اپنے بھائیوں سے، اپنے بیٹوں سے، اپنے دوستوں سے بھی گزارش کروں گا کہ اپنے اہل خانہ کی مدد، گھر کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹانا، یہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو افطار کی تیاریوں میں عبادات کے ساتھ ساتھ اپنے اہل خانہ کی مدد کو بھی اپنا شعار اور اپنی عادت بنائیں۔ ہم بڑھتے ہیں ایک دفعہ پھر خواجہ عاشق حسین سعیدی صاحب کی جانب۔ ہمارا آج کا موضوع ہے شان سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کی اولاد کی، پورے اہل بیت کی محبت ایک مسلمان کے لیے کس حد تک اور کیوں کر ضروری ہے۔ جی خواجہ صاحب۔ جی بہت شکریہ۔ بریک سے پہلے میں عرض کر رہا تھا کہ اہل بیت کرام کا گھرانہ وہ گھرانہ ہے جن کی محبت ہمارے لیے جزو ایمان ہے۔ کوئی شخص لاکھ مسلمانی کا دعویٰ کرے، جی نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حج و زکوٰۃ و صدقات ادا کرے، مگر اہل بیت کی محبت اس کے دل میں نہیں ہے، بغض رکھتا ہے اہل بیت کا، تو اس کے نماز روزے اس کے منہ پہ مار دیے جائیں گے اور کسی کام کے نہیں ہوں گے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، ایک حدیث مبارکہ میں ہے، من صلی وصام فی الحرم وهو مبغض لاهل بیت داخل النار، جو حرم میں نماز روزہ ادا کرے مگر میرے اہل بیت سے بغض رکھتا ہو تو وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ اس لیے اہل بیت کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور جزو ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی شان میں آیت رب کا قرآن نازل فرماتا ہے،
ये वो हस्तियां हैं कि जब अपने बच्चों को झूला भी देती हैं तो रब के फरिश्ते इनके झूले झुलाने के लिए आते हैं, अल्लाह की रहमतें उनके घर पर फरिश्ते पहरा देते हैं। वो किसी शायर ने मुझे शेर याद आ रहे हैं, बड़े खूबसूरत अशआर हैं, इसमें इन तमाम चीजों का इहाता हो जाता है। आपने भी अपनी गुफ्तगू में शेर पढ़ा तो मुझे भी याद आ रहा था, हया के माथे का ताज जहरा, हया के माथे का ताज जहरा, वफा परस्ती की लाज जहरा, मकाम खूने हुसैन ये है, करेगी जन्नत में राज जहरा। और किसी की बेटी को ना मिलेगा, मिला है तुझको जो मकाम जहरा, जमाने भर में जो बट रहा है तेरे घर का अनाज जहरा, जमाने भर में जो बट रहा है तेरे घर का अनाज जहरा। और जो होगी तेरे कदम की मिट्टी, वो दीन के सर का है ताज जहरा, वो दीन के सर का है ताज जहरा। जो तेरे शोहर से बुग्ज रखे है मरीज ला इलाज जहरा, जो तेरे शोहर से बुग्ज रखे है मरीज ला इलाज जहरा। अल्लाहु अकबर, शब्बीर और शब्बर दी अम्मी जहरा, नबी दे घर विच है जम्मी जहरा, मकाम तेरे नु कौन समझे, फरिश्ते हैं तेरे घर दे कमी जहरा। कमी पंजाबी जुबान का लफ्ज नौकर के मानी में है कि फरिश्ते तेरे घर दे कमी जहरा, रब नु सजदा करन दी खातिर रात मंगदी है लंबी जहरा, परदे दियां दे कजन वाली जनाब जैनब दी अम्मी जहरा, जनाब ज़ैनब दी अम्मी जहरा, हया दी मलका बतूल जहरा, तहारतां दा हुसूल जहरा, हसन हुसैन दे नौकरां दा कर ले सलाम कबूल जहरा, कर ले कबूल सलाम जहरा। ख्वाजा साहब, बहुत खूबसूरती से आपने, और जैसे आपने फरमाया कि बड़े बामानी और पुरमगज अशआर हैं। अच्छा, जैसे कि आपने हवाला दिया आगाज में, जो मैंने भी अशआर पढ़े हैं और अभी आप जो अशआर पढ़ रहे थे, इसमें दीगर फजाइल के साथ, मनाकिब के साथ एक हिजाब का भी जिक्र आया, पर्दे का जिक्र आया है। तो मैं चाहूँगा कि आपकी शख्सियत को पेश नज़र रखते हुए आप हमारी बेटियों को, हमारी माओ बहनों को क्या पैगाम देंगे पर्दे के हवाले से, हजरत सैयदा फातिमा की शख्सियत के तनाज़ुर में। जी, पर्दा औरत की अजमत और शान का एक अहम जरिया है, जिसमें जो कीमती चीज़ होती है देखे उसी को ही ढांप कर रखा जाता है, जो कीमती चीज़ नहीं होती उसे यूं ही छोड़ दिया जाता है। हज़रत नबी करीम अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान से पूछा, बताएं औरत के लिए सबसे अफजल चीज़ क्या है। अय्युशैन अफजलुल इमरा, औरत के लिए सबसे अफजल चीज़ क्या है। तो सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान से किसी से कोई ऐसा जवाब ना बन सका, तो इतने में हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम चुपके से उठकर घर आए और शहज़ादी रसूल से पूछा, तो उन्होंने कहा कि औरत के लिए सबसे अफजल और बेहतर चीज़ ये है कि ना कोई मर्द उसे देखे ना वो किसी मर्द को देखे। हज़रत अली ये जवाब सुनकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तशरीफ़ लाए और ये जवाब दिया, तो आप ये जवाब सुनकर मुस्करा दिए और फरमाया कि यकीनन ये मेरी बेटी का ही जवाब हो सकता है। हजरत सय्यदा खुद जो है वो पर्दे का इतना एहतमाम करती थी कि कभी चश्मे फलक ने भी आपके बाल मुबारक नहीं देखे थे। अपने घर में रहते हुए, जहां अमूमी तौर पे हमारी ख्वातीन इसका एहतमाम नहीं करती, वहां पर आप इस कदर पर्दे का एहतमाम करती, यानी ये वो मुकद्दस घराना है जहाँ फरिश्ते भी बगैर इजाजत उनके घर में दाखिल नहीं होते। अल्लाहु अकबर। पर्दे का हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला इतना एहतमाम करती थी कि आप ने एक दिन हजरत अस्मा बिन्त उमैस, जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला की सौजा मुतरमा थी, उनको बुलाया, कहा कि मैं देखती हूँ कि जब खवातीन का जनाजा उठाया जाता है तो उसमें उसका जिस्म जो है वो पर्दे में होने के बावजूद भी नजर आता है, तो ये मुझे परेशान कुन ये सूरत हाल लगती है। तो उन्होंने बताया कि मैंने हबशा में देखा था, वहाँ जब जिस तरह जनाजा उठाया जाता है ख्वातीन के जनाजे पर, एक खजूर की शाख को इसी तरह कमान की तरह मोड़ कर ऊपर से एक जो बना दिया जाता है, तो आपने फरमाया कि बिल्कुल आप ये बात सुन के ना बड़ी खुश हुई, और उन्होंने इसका प्रैक्टिकल करके भी दिखाया रिवायत में कि इस तरह का पर्दा बन जाता है, यानी जैसे ऊंट की कुहान होती है कमान नुमा,
तो हदीसों रिवायतों में मिलता है कि आप ये सुनकर बहुत मुस्कराई। हालांकि ये रिवायत है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ, उसके 6 माह बाद आपका विसाल हुआ, इस दौरान आप कभी भी नहीं मुस्कराई। ये पहला मौका था कि जब आपने सुना के पर्दे का इतना इत्तमाम है, सेटिस्फेक्शन महसूस हुई। हाँ जी, तो आपने फिर यही हुक्म दिया, वसीयत फरमाई कि जब मेरा जनाजा उठाया जाए तो वो रात की तारीकी में उठाया जाए, ताकि मेरे जनाजे पर भी किसी गैर महरम की नजर ना पड़े और जन्नतुल बकी में दफन किया जाए। तो रात को ही आपका जनाजा उठाया गया और उसी तरह जो कमानों की नुमा एक बनाकर आपके जनाजे पर, आज भी हमारे यहाँ खवातीन के जनाजे पर वो मुरव्वज है उसकी। हाँ जी, तो वो भी पर्दे का एहतमाम वो आपकी जात मुबारक से शुरू हुआ। हाँ जी, वो बिल्कुल। तो इसका मालूम हुआ कि हमारी माओ बहनों के लिए पर्दा कितना जरूरी है। आजकल की हमारी मॉडर्न और कुछ इस किस्म की जो हयासोज और तहजीब से ना आशना कुछ खवातीन जो पर्दे को अपने लिए जो है नंगे आर और बाइस शर्म समझने लगती हैं, वो शायद अपने जिस्म की नुमाइश को अपने लिए शर्म हया समझती हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये मुसलमानों के लिए जो है एक अलविया है और दरअसल की सीरत उनके लिए मशलदा है। अच्छा कारी साहब, ये फरमाइएगा कि नमाजों में और तस्बीहात में जिक्र आता है, तस्बीहात फातिमा मारूफ हैं, थोड़ा सा ऐसे मुख्तसर अल्फाज में इस पर जरा रोशनी डाल दीजिए। जी बिल्कुल, खुलासा ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चंद कनीजें और गुलाम आए, तो हजरत अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला उन्होंने सैयदा कायनात से फरमाया कि आज आपके बाबा जान के पास माल गनीमत यानी जंग से माल आता था, तो उसमें कई कनीजें और गुलाम आई हैं, तो आप अपने घर का काम काज करते हुए थक जाती हैं, चक्की भी जहरे खुद चलाती हैं, घर की सफाई काम काज है, तो क्यों ना अपनी कोई कनीज कोई एक लौंडी अपने बाबा जान से जो है आप तलब करके आए। हजरत सैयदा कायनात मौला अली के कहने पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई, लेकिन सहाबा किराम का जमे गफीर था, रश देख कर आप वापस तशरीफ लाएं, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर शाम को या कुछ देर के बाद खुद ही आपके दौलत कदे पर हाजिर तशरीफ फरमा हुए। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आने की वजह और सबब पूछी तो आपने मुद्दा उनके सामने रखा, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बेटी मैं तुम्हें इससे बेहतर चीज ना बताऊं, तो आपने फरमाया जब तुम नमाज पढ़ लो हर फर्ज नमाज रात को सोने लगो, तो फरमाया 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ लिया करो, ये तुम्हारे लिए गुलाम से बेहतर है। तो उलमा ने लिखा है कि ये जो हम नमाज के हर फर्ज नमाज के बाद तस्बीह फातिमा इसको कहा जाता है, आपकी तरफ ही मंसूब है। जो बंदा इस पर अमल करता है, रात को सोते वक्त पढ़ लेता है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैजान आज भी मौजूद है, उसके सारे दिन की थकावट दूर हो जाती है। यानी आप सैयदा की वसातत से आपकी बरकत से उम्मत को ता कयामत जो है वो ये एक वजीफा मिल गया और फैजान जारी हो गया। नाज़रीन मोहतरम, इससे पहले कि हम दुआ की जानिब बढ़े, मैं गुजारिश करूंगा, हमें ज्वाइन किया है फैसल अब्बास कादिर साहब ने, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो सैयदा फातिमतुज़्ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शान अक़दस में मनकबत बयान फरमाए। करारे अहमद मुख्तार सैयदा ज़हरा, करारे अहमद मुख्तार सैयदा ज़हरा, बहारे है दर करार सैयदा ज़हरा, बहारे है दर करार सैयदा ज़हरा, शबीहे नूरे मुजस्सम है सर से पांव तलक, शबीहे नूरे मुजस्सम
सर से पांव तलक है नूर सैयद अबरार सैयदा जहरा है नूर सैयद अबरार सैयदा जहरा है जिस की मादर ज़ीशा खदीजतुल कुबरा है जिस की मादर ज़ीशा खदीजतुल कुबरा वो दो जहां की है सरदार सैयदा जहरा वो दो जहां की है सरदार सैयदा जहरा बता रही है उतर कर ये आया तत्हीर तुम्हारा पाक है घर बार सैयदा जहरा तुम्हारा पाक है घर बार सैयदा जहरा। अरे सब इफ्तार का वक्त करीब है, हम दुआ की जानी बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन को ख़वातीन के हवाले से और बेटियों के हवाले से, आपने फरमाया कि बेटी हदीस मुबारक मुबारका की रोशनी में अल्लाह ताला की रहमत है, तो बेटियों के इकराम के हवाले से आप नबी करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत से और सैयदा के वसातत से उनके तस्करे से जो है वो एक पैगाम दे दीजिए। देखिए बेटी अल्लाह की रहमत है, हमारे माशरे में बेटियों के हवाले से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन और गलत फहमियाँ पाई जाती हैं। कई लोग बेटी पैदा होने पर औरत को जो है वो तलाक तक की नौबत आ जाती है, लड़ाई झगड़े पैदा हो जाते हैं, और अभी हाल ही में जो वाकया मियांवाली में पेश आया कि बाप ने अपनी चंद दिन की बेटी को गोली के पांच फायर करके जो है वो कत्ल कर दिया, दिल बहुत दुखा, पूरा माशरा और पूरी सोसाइटी और पूरा मुसलमान तबका इससे जो है वो बहुत गमजुदा है। देखिए मुझे भी समझ नहीं आती कि ये क्या जमाना जहलियत का दौर हमारे अंदर दोबारा सराजत कर रहा है। कुरान करीम ने ये कुफार की निशानी बताई है कि वो बेटी के पैदा होने पर उनका चेहरा सियाह हो जाता है, मुंह छुपाते फिरते हैं। ये बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं, जिस घर में बेटी होती है अल्लाह के फरिश्ते और बरकात वहां पर नाजिल होती है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मन आला जारिया तैनी अना वहुआ का फिल जन्नती कहा तैन जम्मा असाबिया हो ओ कमा काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जो शख्स किसी एक बेटी की या दो बेटियों की अच्छी तरबियत करे यहाँ तक के उनको वो बालिग हो जाएं, तो वो शख्स और मैं बरोज़े क़यामत जन्नत में इस तरह से इकट्ठे होंगे जैसे ये दो उंगलियां हैं, अपनी उंगलियों को आपने साथ मिलाया। तो आज हमारे माशरे में कई लोग होते हैं कि ये जी खातून बेटियां ही पैदा करती है, अरे भाई उस औरत का क्या कसूर है, कई घरों में तलाक और झगड़े वाक़ हो जाते हैं, तो लिहाजा हमें इस जो है वो गलत फहमी से दूर निकलना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाता है
کہ یخلق ما یشاء اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرنے والا ہے, یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء ذکور, جسے چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے, جسے چاہتا ہے بیٹی عطا فرماتا ہے, جس کو چاہتا ہے دونوں عطا فرماتا ہے, جس کو چاہتا ہے بانج بنا دیتا ہے. یہ تو اللہ کی تقسیم ہے, اسی کے فیصلے ہیں, اس میں انسان کا کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے. لہٰذا ہمیں اپنے رویوں پر نظر ثانی کی ضرورت ہے. اللہ کی طرف سے جو ملے, بیٹا ملے یا بیٹی ملے, اس کی تقسیم پر راضی رہتے ہوئے ہر حال میں اس کا شکر کرنا چاہیے. بہت شکریہ قاری صاحب. ناظرین محترم, افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے, آئیے ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ کی جناب میں اپنی جھولیاں پھیلا کر, اپنی گردنیں جھکا کر حاضر ہو جاتے ہیں افطار کے ان خوبصورت لمحات میں, اور قبولیت اوقات کے وقت میں ہم اپنے ہاتھوں کو اس کی جناب میں اٹھاتے ہیں. قاری صاحب دعا فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. پروردگار عالم غفور الرحیم مالک و مولا, ہم سب یہ تیری رضا کے لیے یہاں جمع ہونا اور سیدہ طیبہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ذکر خیر کرنا, اور مولا کریم یہاں جو نعت خوانی ہوئی, جو درس و بیان ہوا, جو تلاوت کی گئی, اس اقدامات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. مولا ہمارے لیے ذریعہ نجات اور بخشش کا سامان بنا, اس ماہ مبارک کی برکتوں سے زیادہ سے زیادہ فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرما. جتنے لوگ دکھی ہیں مولا ان کے دکھوں کو دور فرما, پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما, ہم سب کی مشکلات کو آسان فرما. اے رب العالمین, پاکستان کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا, ہمارا گھروں کو امن سلامتی خوشحالی اور ترقی والے گھر بنا, باہمی اتفاق و اتحاد عطا فرما. ہمارے خاندانوں سے, رشتہ داروں سے باہمی جو چپکلش ہے, جو ناراضگیاں ہیں, ان کو ختم فرما, باہم شیر و شکر فرما, نفرتوں عداوتوں قدورتوں کو دور فرما دے. مولا ہمارے حال پر رحم فرما, ہماری دنیا بھی بہتر فرما, ہماری آخرت بھی بہتر فرما. ہمیں نماز قرآن پابندی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما. مولا اپنے سجدوں کی لذت عطا فرما, نمازوں کا خشوع و خضوع عطا فرما, اپنے نیک اور پسندیدہ بندوں میں شامل فرما. ہمارے ملک کی حالات پر رحم فرما, وطن عزیز کے حکمرانوں کو, اپوزیشن کو اور سب کو عقل سلیم عطا فرما, اور ہماری عدالتوں کو بھی ملکی مفاد میں فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما. ہماری مسلح افواج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی حفاظت فرما. ہم سب کے اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے, پاکستان کے لیے مبارک فرما. ہمیں دونوں جہانوں میں سرخوری اور سربلندی عطا فرما, دارین کی سعادتیں عطا فرما. آمین آمین. بحرمت سید المرسلین وصلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ.